खबर रीवा से है, जहां चोरहटा थाना क्षेत्र में करहिया निवासी एक दर्जन से अधिक लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अधिवक्ता संजय तिवारी, बबलू पांडे, शिवाकांत तिवारी और अन्य निवासी करहिया के द्वारा सरहंगी पूर्वक शासकीय भूमि खसरा नंबर 665 में अवैध कब्जे की कोशिश कर ग्रामवासियों के निस्तार और सड़क के रास्ते को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि उक्त भूमि मध्य प्रदेश शासन में दर्ज है, जो कि ग्रामवासियों के आम निस्तार एवं सड़क के रूप में मौजूद है। रीवा बनकुइया मार्ग और रेलवे स्टेशन गल्ला मंडी तक पहुंच का ये चौराहा है, जिस पर कब्जा किया जा रहा है। उक्त मार्ग के लगभग 65 फीट चौरीकरण किए जाने का अनुमोदन भी किया जा चुका है, जिसकी सीमा भी चिन्हित है। ग्रामवासियों ने बताया कि उनके द्वारा मौके पर जाकर अवैध कब्जे के प्रयास पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण करने वाले को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और विवाद करने में सक्षम है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि अवैध तरीके से कब्जा किए जा रहे जमीन पर रोक लगाई जाए और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी है। करती थी उसमें एक महीने से लगातार वो संजय तिवारी करके दो तीन लोग आदमी हैं जो लगातार उसमें कब्जा करना चाहते हैं। मैंने कई बार पटवारी साहब को भी फ़ोन लगाया कि भाई ये देखिए शासकीय ज़मीन है और इसमें अतिक्रमण कर रहे हैं और इससे आम जनता का नुकसान होगा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है और मैं लगातार उनको रोकने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे और आप ये न बनाइए। तो अभी एक दिन हमारे खिलाफ उन्होंने FIR भी दर्ज करवाया है। तो मेरा शासन से ये केवल मांग है कि वो शासकीय ज़मीन में अतिक्रमण क्यों हो रहा है, इससे आम जनता का भारी नुकसान होगा। ये सब मैदानी और करहिया की आम जनता है और मैं ये चाहता हूँ कि वो अतिक्रमण को रोका जाए। किस तरीके से पहले कहाँ कहाँ आवेदन दे चुके हैं आप तो इसके लिए अतिक्रमण रोकने के लिए? नहीं, हमने कहीं अतिक्रमण रोकने के लिए आवेदन नहीं दिया है। अरे तहसीलदार को वहाँ बताया गया था, पटवारी तहसीलदार को बताया था। हाँ, पटवारी को हमने बताया है जी। कितने लोग का परिवार है जिससे ये दिक्कत आएगी? नहीं, ये तो करीब हजारों घर है। पूरा रोड ही नीम चौराहे से रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्तावित माननीय विधायक जी द्वारा प्रस्तावित रोड बना प्रस्तावित है, उसमें अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ पे मैदानी चौराहा की बात है, सड़क पे अतिक्रमण हो रहा है। ये अतिक्रमण करने वाले संजय तिवारी और शिवकांत शुक्ला और बबलू पांडे करके हैं और उनके सहयोगी भी हैं, सबका नाम मैं नहीं जानता हूँ। हमारा नाम राकेश तिवारी जी। ये ज्ञापन पत्र सौंपा गया है अवैध अतिक्रमण को लेकर, क्या पूरी मांग है, क्या शिकायत है? ग्रामवासियों के द्वारा मैदानी का शिकायत दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि शासकीय जमीन पर एडवोकेट संजय तिवारी, बबलू पांडे वगैरह द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो अगर इनका 248 का है, शासकीय जमीन में अतिक्रमण किया जा रहा है, तो विधिवत इसमें जांच करा के उनके खिलाफ 248 की कार्रवाई की जाएगी। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।